दुकानदार है सारे और क्या हाल है बढ़िया जो है हमारा नमस्ते सर देखिए पहले पिछले कोरोना से पहले ना हम रेगुलर जो थे वो खिजराबाद और ससरौली और जगाधरी अलग अलग बैठते थे और फिर एक दिन यहाँ बैठते थे, यहाँ तो बैठती हैं बैठते हैं घर पे तो, हालांकि यहाँ भी जगाधरी में ही है वैसे, लेकिन अलग से रेस्ट हाउस में बैठते थे, ससरौली रेस्ट हाउस में भी और खिजराबाद रेस्ट हाउस में भी। थोड़ा सा लोगों की डिमांड भी थी कि होना चाहिए, कोरोना की वजह से हमने बंद कर दिया था, तो आज से उसकी शुरुआत की और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए। समस्याएं तो अलग अलग हैं, एक टाइप की समस्या तो होती है किसी के बिजली के कनेक्शन की समस्या है, वो कहता है कि मैंने पैसे भर दिए थे मेरा हुआ नहीं, कहीं इस प्रकार के विषय भी होते हैं, कहीं आईडी जो अभी फैमिली आईडी बनी इसमें भी कई लोगों को दिक्कत है कि भाई हमारे जो आमदनी है वो कुछ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दी गलत है, बच्चों की भी दिखाई दी, तो इस प्रकार के अलग अलग टाइप के बहुत से केस थे। उन सारे की बात तो अधिकारी वहाँ उपस्थित थे सारे, उनको क्या जल्दी उन समस्याओं का समाधान मिला। कांग्रेस में नहीं भाई देखो मैंने तो ये गिने नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल का 200-250 से ज़्यादा ही लोग वहाँ आए जिनकी शिकायतें थी कंप्लेंट थी, वो लोग हमारे पास आए, छोटे छोटे मामले थे, कहीं मान लीजिए पानी की समस्या थी तो वहीं एक सिंह था उसको कह दिया हमने वो ठीक करने के लिए कह दिया, या कहीं छोटा मोटा और गली का कोई मामला था वो कह दिया, बिजली का था तो बिजली के एक्शन वहीं बैठे थे उन्होंने तुरंत समाधान किया, और फैमिली आईडी में भी कुछ लोगों की कंप्लेंट थी वहाँ पे अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम भी ठीक कर देंगे इसको, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की जरूरत है तो वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ हमने सभी समस्याओं का वहीं उसका निपटारा किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसके लिए कुछ कागज और दूसरे जो भी है जरूरी डॉक्यूमेंट है उनकी भी जरूरत होती है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह उपस्थित करेंगे तो हो जाएगा। ससरौली को सब डिविजन का दर्जा दिया गया था, कब तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी? देखिए अभी उसमें टाइम लगेगा, अब उसको घोषित तो कर दिया लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो नहीं वो पॉइंट टू पॉइंट बताएगा कौन कौन सी वादा खिलाफी हुई उसके साथ, जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की थी उन सबके लिए कमेटियां गठित हैं, MSP की बात उनकी थी उसके लिए भी मैं समझता हूँ शायद सरकार कर रही कोई कार्रवाई, और MSP जितना आपकी बार बढ़ाया वो सबके सामने है, किसानों की कोई समस्या नहीं है, केवल यूनियन की अपनी समस्या है, किसान आपको कहीं भी आप गाँव में जाओगे कोई किसान ये कहता नजर नहीं आएगा कि कोई रेट कम है या कोई दिक्कत है, लोग खुश हैं। और उसके बाद आपने देख लिया चुनाव आए, चुनाव में आपने देख लिया मैक्सिमम स्टेट में एक पंजाब को छोड़े बाकी सारे स्टेट में बीजेपी जीती। क्या 24 नवंबर से पहले कोई बातचीत का ऐसा कुछ हो सकता है कि प्रस्ताव रखा जाए किसी? देखिए बड़े लीडरों से उन्होंने बातचीत करनी है, वो तो बड़े लीडर बता सके कि क्या है, मुझे उसको पता नहीं है बात। देखिए कांग्रेस में तो पहले से ही दो गुट आमने सामने है, सारे गुट आमने सामने है। देखिए अब मान लो इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है अगर वो ये बात कहे कि किरण चौधरी कोई बड़ी नेता नहीं है, जबकि किरण चौधरी जो है CLP लीडर रही पहले, तो ये कुछ इस प्रकार के शब्द होते हैं जो मैं समझता हूँ कि बात तो खड़ा कर ही देते हैं, ऐसे और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो करते हैं, तो कोई ना कोई कारण बनता है ना जी उनका, मैं समझता हूँ इसी कारण जब हम कुछ कह देते हैं तो फिर वो जो एक आग की शर्म वो भी ऐसा ऐसा खत्म हो जा। बीच तो में ऐसे क्यास लगाए गए कि किरण चौधरी BJP में भी शामिल हो सकती है, और फिर उन्होंने बयान दिया ऐसा कुछ नहीं है, क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है? देखिए आने वाले वक्त में का तो मैं क्या बता सकता हूँ, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। नहीं देखिए मुझे अभी कोई इस प्रकार का कोई वो नहीं है, लेकिन वक्त के तो कुछ नहीं पता, वक्त तो चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी काम इकट्ठे रहे, सरकार बनाई उनके साथ, चौटाला साहब के साथ भी सरकार बनाई, चौधरी देवीलाल के साथ भी रहे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सारे कुछ हुए हैं। अब राजनीति में तो कुछ पता नहीं होता किस टाइम क्या होगा, अब मैं भविष्य में तो कुछ नहीं बता सकता क्या होगा। BJP सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है, अभी कुलदीप बिश्नोई की एंट्री हुई थी, तो क्या कांग्रेस के और भी बड़े नेता जो है BJP में शामिल हो सकते हैं? देखिए अगर कांग्रेस के कोई लीडर आते हैं BJP में तो स्वागत करेंगे उनका। किसान एक बार फिर से मुखर होने लगे हैं।